हेलो, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं एक एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एंड पेन टेस्ट ट्रेनर हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एथिकल हैकर और एक हैकर, वो मतलब जो एक साइबर सिक्योरिटी में जो आ रहा है, जो करियर बना रहा है, वो किस तरीके से अर्निंग कर सकता है इस फील्ड में, या इस फील्ड में वो चाहता है कि वो अर्निंग करे तो वो किस तरीके से कर सकता है, मेनली क्या क्या उसके पास सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जॉब कर सकता है और एक डिसेंट सी जॉब कर सकता है, बहुत अच्छी जॉब होती है पहली बात तो ये, ठीक है। लेकिन वो सर्टिफिकेट के बेस में होती है, मतलब CEH, OSCP या BJPT, और भी बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हैं, उनके बेस पे आपकी जॉब लगती है, क्योंकि जब भी जॉब निकलती है वो इसी तरीके से निकलती है, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम, उसके अलावा जॉब के अलावा जो सबसे जो मेन है ना, वो है बाउंटी हंटिंग। जो बाउंटी हंटर्स होते हैं ना, जैसे मैं भी बाउंटी हंटर हंटिंग करता हूँ, तो वो जो ना रेड टीम से होते हैं और वो बाउंटी हंटर्स होते हैं। मतलब बाउंटी अब किस तरीके से लगता है, बाउंटी तो आप समझ गए होंगे, बाउंटी हंटर तो अब हर किसी को पता है, बट बाउंटी हंटिंग क्या होता है, मीन्स के कोई भी वेबसाइट में सिक्योर वल्नरेबिलिटी निकाली और मैंने रिपोर्ट कर दिया, उसमें 1,000, 2,000, 3,000, मिलियंस ऑफ डॉलर की बाउंटी होती है। गूगल ऑफर करता है 1 मिलियन डॉलर की बाउंटी, उसके अलावा हजारों डॉलर की बाउंटी होती है, 100 डॉलर, 10 डॉलर, 10 डॉलर, 100 डॉलर, 100 डॉलर से मिनिमम तो स्टार्ट होती ही होती है, 100-500 से तो स्टार्ट होती होती है बाउंड्री। उसके अलावा फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आप, उसके अलावा आप वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह की जो ना सर्विसेज भी देते हो इन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के जो ना मद्देनजर रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देता था, अब जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा ना, क्योंकि एक जो साइबर सिक्योरिटी जो होगा, मैंने बाउंड्री जैसी मैंने सबमिट करा दी, तो एक जो हैकर होगा वो अब उसको फिक्स कर देगा, यानी जो डिवेलपर है वो फिक्स कर देगा। तो मैं क्योंकि एक डिवेलपर भी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी की मैं सर्विसेज भी दे सकता हूँ और ये वेब डेवलपमेंट के जरिए। तो मैं एक हैकर हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना इस तरीके से। उसके अलावा जॉब हो गई, नंबर 1 जॉब हो गई, नंबर 2 बग बाउंटी हो गई, नंबर 3 हो गई जो ट्रेनिंग देते हैं ना, जो थर्ड पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो भी देखें, जो जिसको आता होगा वही दे पाएगा ट्रेनिंग। मैं मेजरली आपको बता रहा हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, आप सेल्स प्रोडक्ट बना सकते हैं इजिली, ठीक है। जो सेल्स प्रोडक्ट होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं, और भी बहुत सारे मालवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली डेवलप कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है हल्की फुल्की। उसके अलावा भी और भी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि आप कंसल्टेंसी, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल में चले गए तो आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर आप कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे होते, आप कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं, मतलब आप इंडिपेंडेंट होते हो आप अपने ऊपर। ये कुछ मेजर थिंग थी जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो है ना कहा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी को में जो आ रहा है, यानी जो हैकर बन रहा है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन सी है। इसके अलावा भी और भी सोर्स ऑफ इनकम, ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम यही है, जो मेजर मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ना वो यही है। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी है तो आप जो है ना चैनल के कमेंट सेक्शन में, आप क्यूरियोसिटी कोई भी हो, आपकी कोई भी सवाल हो, आप ज़रूर कमेंट करें, मैं यकीन उसका रिप्लाई करूंगा, और अपने कंटेंट को भी मैं अपडेट करता रहूंगा और कंटेंट भी मैं इसके रिलेटेड लाता रहूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कंटेंट कौन सा आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कंटेंट आता रहेगा इसी तरीके से। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।